بسم الله الرحمن الرحيم سبحان, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون वालेकुम नाजरीन ट्रैवलर मलिक चैनल में आप सबको खुश आमदीद उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे आज की एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खदमत में हाजिर हैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अताबाद झील वाली वीडियो भी देख ली होगी और अभी हमारा सफ़र अताबाद झील से करीम के लिए शुरू हो चुका है हम बहुत ही जल्द करीमाबाद पहुंच जाएंगे अभी हम करीमाबाद की तरफ जा रहे हैं और करीमाबाद में एक बहुत ही मशहूर जगह है जिसको बलतित फ़ोर्ट कहते हैं हम आपको बलतित फ़ोर्ट विज़िट कराएंगे और उसके अलावा करीमाबाद की मार्केट का भी विज़िट कराएंगे यहाँ से भी आप बलतित फ़ोर्ट को देख सकते हैं मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ काफ़ी ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है और इसकी जो तारीख़ बताई जाती है वो 800 साल पुरानी तारीख बताई जाती है बहुत ही जल्द हम करीमाबाद पहुंचने वाले हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा हमने वादिय हंजा के खूबसूरत और हसीन नज़ारे इस वीडियो के अंदर कैप्चर किए हैं जी अब हम करीमाबाद मार्केट में पहुंच गए हैं इस सारे रास्ते में काफ़ी चढ़ाई बन जाती है गाड़ी का बहुत आगे तक जाना मुश्किल हो सकता है इसलिए हम यहां से पैदल चलते हैं आइए सबसे पहले हम करीमाबाद की मार्केट का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए या फिर गिफ्ट ख़रीदने के लिए क्या क्या चीज़ें मैसर हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान दस्तकारी के हवाले से बहुत ही मशहूर है कि यहाँ के लोग बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं यहाँ का पत्थर भी बहुत ही मशहूर है जो कि अंगूठियों में भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ब्रेसलेट में और हार में भी इस्तेमाल होता है ये देखें जी मारखोर ये हमारा कौमी जानवर है ये आपको लकड़ी में भी मिल जाएगा और इसके अलावा लोहे में भी बना होता है इस साइज़ में आपको मारखोर पाँच हज़ार तक मिल जाएगा और इससे छोटे साइज़ में बारह से चौदह सौ तक भी मिल जाएगा आइए अब चलते हैं दूसरी शॉप की तरफ वहाँ पे भी विज़िट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मैसर हो सकती हैं ये देखें जी इनके हाथों से बने हुए मलबूसात यहाँ पर भी आपको आसानी से पत्थर मिल जाएंगे इसके अलावा आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ में ब्रेसलेट हार और लॉकेट भी मिल जाएंगे यहाँ पे प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं हैं जो भी चीज़ आपको लेनी होगी उसकी नॉर्मल प्राइस ही होगी कुछ शॉपिंग हमने यहाँ से कर ली है अब हम चलते हैं बल्तित फोर्ड की तरफ ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा बन जाती है मेरा सांस भी फूल रहा था लेकिन बल्तित फोर्ड को देखने के लिए मैं बहुत ही बेचैन हो रहा था इसलिए ये चढ़ाई इतनी मुश्किल महसूस नहीं हुई सो so फाइनली हम बलतित फोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं यहाँ से गुजरते हुए इन खुशनुमा फूलों को देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई आइए अब चलते हैं बलतित फोर्ट की तरफ जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि यहाँ तक आने के लिए काफ़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है लेकिन जब आप यहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं तो यहाँ से पूरे करीमाबाद का नज़ारा किया जा सकता है बलतित फोल्ड का हमने नज़ारा कर लिया है और इतनी ऊंचाई से हमने करीमाबाद का भी नज़ारा किया खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ों की चोटी पर पड़ी हुई बर्फ़ बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रहे थे अब करीमाबाद से हमारा वापसी का सफ़र गिलगित की तरफ है तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़